हुकूमत तेलंगाना ने हैरत अंगेज कदम उठाते हुए आज पीर 24 जून को ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी जीएचएमसी के कमिश्नर समेत तेलंगाना में कई आईएएस ओहदेदारों का तबादला कर दिया है। साल 2010 बैच की आईएएस ऑफिसर अमरपाली काटा को जीएचएमसी का नया कमिश्नर बनाया गया है। आईएएस रोनाल्ड रोड्स का ट्रांसफर करके उन्हें पावर डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट सेक्रेटरी बनाया गया। रोज के अलावा हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर सी सुदर्शन रेड्डी का भी ट्रांसफर करके उन्हें गवर्नमेंट सेक्रेटरी फॉर सर्विस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज वेलफेयर बनाया गया है। एक और बड़ा ट्रांसफर मल्टी जोन वन के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एवी रंगनाथन को कमिश्नर ऑफ जीएचएमसी इन्फोर्समेंट विजिलेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के तौर पर तकरर किया गया। उनके अलावा फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अहमद नदीम और आई के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर मुर्तजा अली रिजवी को अपॉइंट किया गया है। एचएमडीए कमिश्नर मेट्रोपॉलिटन के तौर पर सरफराज अहमद, हार्टिकल्चर डायरेक्टर के तौर पर शेख यासमिन पाशा को मुकर्रर किया गया।